आज की हमारी रेसिपी प्लम फ्रूट खीर, ताल का खीर है। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है, खाने में बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही झटपट बन जाता है। इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी बहुत ही इजीली मिल जाते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए। हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इजी कुकिंग में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक फ्रूट ले लिया है, ये ताल है, इसको प्लम फ्रूट भी बोलते हैं। बहुत ही ईजिली मिल जाता है मार्केट में, 20 से 25 रुपये में आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से मैं इसके ऊपर का ये निकाल ले रही हूँ, ये जो पत्ते हैं इसके, और इस तरीके से हमें इसके ऊपर के रेशे निकाल लेने हैं, जो छिलके हैं उस तरीके से निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने निकाल लिया है। अब इसको इस तरीके से, इसमें 3 बीजे रहते हैं, तो ये जो इसमें जो गूदा है वो हमें निकाल लेना है। और इस तरीके से आप चाहे तो किसनी से किसके इसका जो पल्प है उसे निकाल सकते हैं, या फिर आप इसे निचोड़ निचोड़ के हल्के हल्के पानी से आप निकाल सकते हैं। इस तरीके से निकलेगा और इसका जो रेशा है उसे हमें निकाल लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से निकलेगा। और थोड़ा बहुत करने के बाद में मैं इसे पानी में डिप करके थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसमें जितना भी जो इसका फ्लेवर है उसे हम निकाल लेंगे। तो इस तरीके से मैं तीनों फ्रूट्स की इस तरीके से निकाल ले रही हूँ। उसके बाद एक पानी में मैं इस तरीके से उसे अच्छे से निचोड़ लूंगी। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से निकला है, उसके जो बीजे पूरे वाइट हो चुके हैं। और ये यहाँ पे हमने पूरा पल्प निकाल लिया है, जो लिक्विड है पूरा निकल गया है। इसे हम ऐड करेंगे एक बाउल में, या आप जिसमें बनाने वाले हैं उसमें निकाल लीजिए। तो मैं इस गंजी में निकाल ले रही हूँ और इसे हम गैस पे रख देंगे और इसे चलाते हुए पका लेंगे। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, इसे बस इसी तरह से चलाते हुए पकाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। इसमें जो सामान है बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर मैंने 1 लीटर दूध लिया है, इसे हम गर्म करने रख देंगे, अच्छे से इसको उबाल लेंगे। और साथ ही में आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर प्लम फ्रूट को भी पका ले रही हूँ, इसको अच्छे से इस से पकाना है। साथ में मैंने यहाँ पे लिया है नारियल, नारियल के इस तरीके से छिलके निकाल लेने हैं। और इसे आप चाहे तो जो किसनी है उससे किस सकते हैं, या मिक्सर जार में भी कर सकते हैं। तो मैं इस तरीके से कर ले रही हूँ, इससे मुंह में अच्छा जो नारियल का फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा आएगा। तो यहाँ पे मैंने एक नारियल पूरा ले लिया है और इसे अच्छे से किस लिया है। ब्लैक पार्ट हटा देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, कलर बहुत ही अच्छा आएगा। तो यहाँ पे दूध अच्छे से उबल चुके हैं, इसी तरह से इसे चलाते हुए पका लीजिए, थोड़ा ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे दूध अच्छे से उबल चुके हैं, साथ में हमारा ये ताल ये भी अच्छे से पक रहा है। और ये थोड़ा सा कड़वा होता है, हल्का सा कड़वा का टेक्सचर आता है। तो इसे अच्छे से जितना हम पकाएंगे उतना कड़वापन थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसे अच्छे से पकाने के बाद में हम इसमें ऐड कर देंगे दूध। दूध मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है और इसे हम चलाते हुए हाई फ्लेम पर ही पका रहे हैं। इस ये जितना दूध और जो प्लम फ्रूट है इसका आधा हमको कर लेना है, जिससे ये थोड़ा गाढ़ा हो जाए और अच्छे से पक जाए। तो इसे इसी तरीके से चलाते हुए हम पका लेंगे। आपको आधे घंटे में आपका ये रेसिपी बन जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इसी तरह से चलाते हुए पकाऊंगी। साथ ही में मैं यहाँ पे ग्रेट किया हुआ जो नारियल है उसे भी हम ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे और इसे इसी तरह से चलाते रहेंगे। इसे हमें आधा कर लेना है, यहाँ थोड़ा सा गाढ़ा होता है और जब बन जाता है ठंडा होने के बाद ये और गाढ़ा हो जाता है। तो आप अपने हिसाब से इसको थिकनेस रखिए। तो यहाँ पे इसी तरह से चलाते हुए हम पका लेंगे, धीरे धीरे ये अच्छे से पक जाएंगे। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा मैंने सोक कर लिया है, अभी और सोक करना है। इसके बाद में हम इसमें ऐड करेंगे शुगर। यहाँ पे मैंने 1 कटोरी शुगर ऐड किया है। आपको शक्कर कितनी चाहिए, मीठा कितना चाहिए, उस हिसाब से आप कम ज़्यादा रख सकते हैं। आप चाहे तो चुटकी भर नमक डाल सकते हैं, मैं यहाँ नमक नहीं डाल रही हूँ, यहाँ भगवान को भोग भी लगने वाला है। तो यहाँ पे इसी तरह से अब चलाते हुए हम पका लेंगे, थोड़ा सा ठीक हो जाए तब तक हमें चलाना है। बस हमारी रेसिपी इतनी ही है, बहुत ही सिंपल है, खाने में बहुत ही टेस्टी है। यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा ताल का खीर बन चुका है, प्लम खीर बन चुका है। बहुत ही यूनिक टेस्ट है, खाने में बहुत ही टेस्टी है, बंगालीज फेवरेट में से एक रेसिपी है। आप लोग इसे ज़रूर बनाइए, खाइए और कमेंट करके बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। देखिए कितना अच्छा बना है खीर, बहुत ही सिंपल है। मैंने थोड़ा सा खीर और प्लम का जो पल्प है वो रख दिया है, इससे हम बड़े भी बनाएंगे। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।